गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है ये मिनिएचर गुलाब जो हैं, छोटे छोटे से फ्लावर्स आते हैं इसमें। तो आज का मेरा टॉपिक यही है कि इसमें हम केयर कैसे करें, कौन से फर्टिलाइज़र दें, कैसी मिट्टी में हम इसे लगाएं। तो इस प्लांट को फ्रेंड्स मैंने नया ऐड किया था अपने गार्डन में और मैंने इसे रिपोर्ट भी कर लिया है, देखिए। और देखिए मेरे प्लांट की ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी है और इसमें फ्लावरिंग भी खूब सारी हो रही है और बर्ड्स भी देखिए कितने आए हैं, ये देखिए, और कलियां भी हैं, फ्लावर्स भी अच्छे खिले हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये मेरा वाइट कलर का है पर पता नहीं क्यों अभी लाइट पिंक सा आ रहा है। देखिए, मैंने दो प्लांट खरीदे हैं, एक लाइट पिंक कलर का और एक वाइट कलर का। तो ये मेरा प्लांट वाइट कलर वाला है, अभी लाइट पिंक में फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है। लेकिन ये देखिए पिंकिश सा हो गया है इसका फ्लावर। और इस फ्लावर को देखिए, एक ही प्लांट है, वाइट है, बिल्कुल वाइट है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे अपने गार्डन में कैसे ऐड किया है, मैंने क्या क्या केयर किया है अपने प्लांट का, तो चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं मिट्टी बताती हूँ कि मैंने कौन कौन सी मिट्टी, किस मिट्टी में क्या क्या मिलाया था और इसे रिपोर्ट कैसे किया था। तो मैंने एक भाग इसमें मिट्टी लिया था और एक भाग कंपोस्ट, एक भाग सेंड लिया है और एक भाग राइस हस्क मिलाया था, एक चम्मच फंगीसाइड पाउडर, एक मुट्ठी नीमखली और एक चम्मच एप्सम सॉल्ट लिया था। इस तरह से मैंने इसकी मिट्टी तैयार की थी और इसे रिपोर्ट किया था। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने इसमें अभी सिर्फ दो बार ही फर्टिलाइज़र दिया है। एक बार मैंने NPK 1919 का स्प्रे किया था और उससे पहले मैंने इसमें एप्सम सॉल्ट दिया था। और एप्सम सॉल्ट का स्प्रे मैं हमेशा करती हूँ फ्रेंड्स, मैंने कई वीडियो में आप लोग को बताया है कि एप्सम सॉल्ट गुलाब में मैं ज़रूर स्प्रे करती हूँ। तो इस तरह से मैंने किया है। अब इसमें मैं वर्मिक कंपोस्ट अप्लाई करूँगी, लेकिन आज नहीं करूँगी क्योंकि हमारे यहाँ बारिश लगातार हो रही है। जैसी बारिश थमेगी मैं इसमें वर्मिक कंपोस्ट दूँगी। तो इस तरह से मैंने इसकी मिट्टी तैयार की थी और इसे मैंने ग्रो किया था। और देखिए मेरे प्लांट कितना हेल्दी और कितना अच्छा है। तो इस प्लांट को आप बिल्कुल सनलाइट में रखिए, जैसे जितना ज़्यादा सनलाइट मिलेगा उतनी ही अच्छी फ्लावरिंग भी करेगा प्लांट। और इनको आप पिंच भी करते रहिए ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगे। देखिए मैंने कई जगह से इनको पिंच भी किया है। तो जहाँ पर से फ्लावरिंग आती है तो आप उससे, जैसे यहाँ पर फ्लावरिंग हो रही है तो यहाँ से आप दो पत्ती नीचे ले लीजिए। जैसे ये फ्लावर है तो आप यहाँ से कट कर दीजिए, दो पत्ती से नीचे आप कट कर दीजिए, जिससे वहाँ पर बहुत सारे ब्रांच आने लगेंगे। और यदि आपके प्लांट में इस तरह से डाई बैग दिखे, ये देखिए इस तरह से, यदि कोई ब्रांच सूखी लगे तो आप उसे कट करके हटा दीजिए। तो इस तरह से मैं कैंची से इसे कट कर लूँगी इस तरह से। और जैसी बारिश वगैरह होती है फ्रेंड्स, तो आप एक फंगीसाइड पाउडर ज़रूर स्प्रे कीजिए। तो जहाँ जहाँ पर आपको इस तरह से अगर दिखाई देते हैं तो उसे आप कैंची से काट कर हटा दीजिए, नहीं तो ये पूरे प्लांट को ख़राब कर देगा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते। और प्लांट में यदि पीली पत्ती दिखाई दे तो उसे आप बिल्कुल तोड़ कर हटा दीजिए। और गमले में इस प्रकार से पत्तियाँ अगर गिरी रहती हैं उन सबको आप हटाइए, नहीं तो इसमें फंगस अटैक होने का डर रहता है। तो इस तरह से आप पत्तियों को हटा दीजिए और गमले को बिल्कुल क्लीन रखिए फ्रेंड्स, इन्फेक्शन का डर रहता है प्लांट को। तो इस तरह से मैंने इसकी देखभाल की है। और अभी जब बारिश बंद हो जाएगी तो मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट और फंगीसाइड पाउडर का लिक्विड स्प्रे ज़रूर करूँगी इसमें। तो फंगीसाइड आप बिल्कुल स्प्रे कीजिए। और हमारे यहाँ तो लगातार अभी कंटिन्यू बारिश हो रही है, इसलिए मैं प्लांट को फर्टिलाइज़र दे नहीं पा रही हूँ, जितने भी मेरे गार्डन में फ्लावर्स हैं। तो बस इसी तरह से आप इनकी देख रेख कीजिए और उसके बाद आप देखिएगा आपके प्लांट में कितनी अच्छी फ्लावरिंग होती है। और तो मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है फ्रेंड्स, और मेरे प्लांट की ग्रोथ देखिए इस तरह से। और NPK 1919 का मैंने एक बार ही स्प्रे किया है। तो इस तरह से मैं अपने प्लांट की देखभाल करती हूँ। तो आज का फ्रेंड्स मेरा यही टॉपिक था
की रोज़ की केयर हम कैसे करें, देखभाल कैसे करें, मिट्टी कैसे तैयार करें, फर्टिलाइज़र कैसे दें, कैसे जगह पर रखें। तो बस फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो मेरे नए फ्रेंड जो मेरा वीडियो देखते हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।